दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में जल्द पता चले, इसलिए आरटीपीसीआर टेस्ट लोगों द्वारा की जाती है। इसी के तहत कोरोना वायरस का शीघ्र निदान हो, इस उद्देश्य से एक्स मेजर डॉक्टर मेजर शांतनु मुखर्जी द्वारा उत्तर नागपुर में एडवांस डायग्नोस्टिक पैथलैब शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन 25 जुलाई को किया जाएगा। इस संबंध में एक्स मेजर डॉक्टर मेजर शांतनु मुखर्जी ने अधिक जानकारी साझा की। चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस का प्रकोप सामने आया था। इसके बाद यह रोग और अधिक प्रांतों और शेष विश्व में फैल गया और एक महामारी घोषित कर दी, जिससे जीवन और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। वर्तमान में जबकि भारत में सामान्य आबादी के 2/3 हिस्से में SARS-CoV-2 एंटीबॉडी है, जिससे लगभग 40 करोड़ लोग अभी भी संक्रमण की चपेट में हैं। इस महामारी को रोकने के लिए सामूहिक टीकाकरण और शीघ्र निदान करना समय की मांग है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के लिए स्वर्ण मानक निदान पद्धति एक मौखिक और नासोफेरिंजल स्वैब से आरटीपीसीआर तकनीक द्वारा वायरस का पता लगाने के द्वारा है। शीघ्र निदान की इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मेजर शांतनु मुखर्जी द्वारा अपने साथ पैथोलॉजी लैब की श्रृंखला के साथ उत्तरी नागपुर में आरटीपीसीआर प्रयोगशाला की इस अवधारणा की शुरुआत की है। इंदिरा स्क्वायर में स्थित यह अत्याधुनिक एडवांस डायग्नोस्टिक पैथ लैब पूरी तरह से सुसज्जित स्वचालित एनपीएल द्वारा मान्यता प्राप्त है और आसपास के क्षेत्रों से जरूरतमंदों को लाभान्वित करने के लिए ICMR द्वारा अनुमोदित है। सर, ये लैब हमने नॉर्थ नागपुर में स्टार्ट की है। पहली बात तो इसका बेनिफिट्स ऑफ दिस रीजन के लिए करना है। नितिन राउत सर जो है वो इसी एरिया से है, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी भी ये है, हमने भी बचपन से उनको देखा है, तो हम चाहते हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी हम भी कुछ एक इधर के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए बेनिफिट के लिए हमने लैब स्टार्ट किए। और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के साथ जो टाई अप होता है, ये ICMR के अप्रूव्ड लैब्स है। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड से हमारा लैब जब अप्रूव होता है तभी इस चीज़ का कॉरपोरेशन हमको एग्री करने देती है कि आप टेस्टिंग कर सकते हैं इसमें। और उनके साथ जो टाई अप है कि जो गवर्नमेंट जो रेट्स है हम उसी को फॉलो करना है। वो होम विजिट के चार्जेस भी जो रेट्स में देते हैं और जो लैब में जो पेशेंट डायरेक्ट आते हैं उसी के जो चार्जेस है उसी टेस्ट में हमको उसी चार्जेस में हमको ये टेस्ट करनी है। देखिए सर, ऐसा है कि यहाँ पे हमारा मेन इंटेंशन है कि पेशेंट्स को एज फास्ट एज पॉसिबल रिपोर्ट दिया जाए, तो एक एवरेजली 5 आवर्स के अंदर उनको एक RT-PCR का रिपोर्ट उन्हें मिल जाएगा और सेम डे का रिपोर्ट चाहिए। ADPL का लक्ष्य एक उच्च गुणवत्ता वाली आंतरिक विकृति प्रयोगशाला प्रदान करना है, जो अपने उपयोगकर्ताओं के साथ सहमत अपेक्षाओं को पूरा करती है और ISO और अन्य प्रासंगिक कानून और नियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों और विनियमों के अनुरूप है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।